हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं भी पास आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं दोस्तों। और दोस्तों, आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है, आपका एमपी एडी ओपी का जो रिजल्ट है वो आ चुका है दोस्तों। और जो आपका ये एमपी एडीपी है, इसका जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, आप सभी को पता है 18 दिसंबर को इसका जो है वो एग्जाम हुआ था दोस्तों। और जो इसका रिजल्ट है आपका मात्र 15 दिन में एमपी पीएससी की तरफ से जो है इसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि लाइव आप किस प्रकार से जो है रिजल्ट देख सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इस रिजल्ट को देखने के लिए आपको अपने फोन या पीसी में जो है क्रोम ब्राउजर को ओपन करना पड़ेगा। और क्रोम ब्राउजर को ओपन करते ही आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर गूगल में सर्च में टैप करना है, यहाँ पर सरकारी रिजल्ट, क्या सरकारी रिजल्ट, यहाँ पर आपको टैप करना है। जैसे ही आप सरकारी रिजल्ट पर टैप करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर पहले वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पहले लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। तो आपको यहाँ पर नीचे आना है। जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर रिजल्ट वाले सेक्शन में आपको सबसे ऊपर ही दिख जाएगा एमपीएससी एडीपीओ 2021 रिजल्ट। तो दोस्तों, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। और दोस्तों, आपको यहाँ पर सबसे नीचे आ जाना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक सेक्शन देखने को मिलेगा, डाउनलोड रिजल्ट। जैसे ही आप डाउनलोड रिजल्ट पर क्लिक हेयर करेंगे तो दोस्तों, आपके सामने इस प्रकार से जो है आपका रिजल्ट डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा इंदौर की तरफ से जो है नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो दोस्तों, इसमें थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया है। देखेंगे पदों की रिक्त संख्या यहाँ पर हमें दी गई है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद जो है आपको यहाँ पर ये जो है आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ यूट्यूबर्स आपको बता रहे हैं कि ये एक्चुअल में कट ऑफ है। तो दोस्तों, ये कट ऑफ नहीं है, आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट है, यानी कि जो आपके अनारक्षित सीटें हैं, जो आपके अनरिजर्व कैटेगरी है, वहां से आपको 223 सदस्य जो है वो लिए गए हैं। और आपके एससी के 129 कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं। दोस्तों, आप जैसे इस नोटिफिकेशन में नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर जो है चेक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर भी आपके रोल नंबर की लिस्ट है दोस्तों। दोस्तों, इस प्रकार से जो है आप अपना एमपी एससी एडीओपी का जो रिजल्ट है आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही। जैसे ही कोई आपके लिए ऑफिशियल कट ऑफ आएगी, मैं आपके लिए इस पर वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो दोस्तों, मिलते हैं आप किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।